और नॉर्मेलिटी मैंने आपको बताया था कि हमारा ये क्या होता है, मोलारिटी, और साथ में क्या बताए थे, बैलेंस फैक्टर, बोलो। और ये जो बैलेंस फैक्टर है, और हमने भी बताया था कि साथ में हमारा नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, और साथ में वॉल्यूम, किसमें होता है, किसमें वॉल्यूम, लीटर में, किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होता है, लीटर में, इसका मैंने बता दिया था, ऐसे क्वेश्चन भी करवा दिए थे, ठीक है ना। और बैलेंस फैक्टर भी हम आपको बता दिए थे क्या क्या होता है, एसिड के लिए क्या बताया था, याद है जी, बेसिसिटी, बेसिसिटी, जब कोई बोल रहा है तो सर गायब हो जा रहा है। अरे बाप रे, सुनो भाई, अगर बोलने पे स्क्रीन गायब हो रहा है, मोबाइल यूज, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो मेरे जहां मैं दिख रहा हूँ वहां पे राइट क्लिक करो, पिन वीडियो आएगा। अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो स्क्रॉल करो, चल खुट्टा ब्रैकेट में सब बन बन के आएगा, चार चार पांच पांच लोग, स्क्रॉल करो जहां मैं दिख रहा हूँ वहां दो बार टैप कर दो, ऐसे लाइव क्लास है तो थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ना सब, ठीक है, ऐसे तुम लोग कम बोलना, बट तुम यही करो, स्क्रॉल करो जहां मैं दिख रहा हूँ ऐसे डबल टैप करो, तो नहीं भागेगा, ठीक है। चलो खैर, तुम लोग कम बोलना यार थोड़ा सा। चलो, बेस के लिए मैंने क्या बताया था, सीख लो जूम कैसे यूज करते हैं बच्चे, नहीं तो हर बार दिक्कत होगी। बेस के लिए क्या होता है बताओ, एसिडिटी, ठीक है। उस बच्चा ठीक हुआ तुम्हारा, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मत बोलो तुम लोग यार। देखो, साल्ट के लिए क्या होता है, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, ऐसा मैंने बताया था आपको। साल्ट भी मैंने बता दिया था, एसिड बेस साल्ट, आयन भी बता दिए थे, आयन के लिए क्या होता है, चार्ज मैंने, और एलिमेंट के लिए क्या बताए थे, वैलेंस, एलिमेंट के लिए वैलेंस, इससे मैंने सवाल भी आप लोगों को करवा दिया था। आज अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे, क्योंकि समझना जरूरी है थोड़ा सा, है ना, ये सब मैंने बता दिया था आपको पिछली क्लास, है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अगर एसिड की बात करेंगे तो एसिड की बात करते हैं, जैसे H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 क्या है, एसिड, और एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, जितना H प्लस दे सकता है ये कितना H प्लस दे सकता है बच्चा, 2H प्लस दे सकता है, तो हम बोलते हैं इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, बेसिसिटी क्या होता है, जितना H प्लस दे सकता है 2, और वैलेंस फैक्टर भी हमने क्या बोला था, 2। आज हम वैलेंस फैक्टर को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, यह रिएक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, रिएक्टिंग प्रॉपर्टी, और आज वैलेंस फैक्टर को थोड़ा और अच्छे से हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, अच्छे से, है ना। तो सबसे पहले लिख लो, लिखो, वैलेंस फैक्टर ऑफ एनी स्पीसीज डिपेंड ऑन रिएक्शन, लिखो सब लोग, वैलेंस फैक्टर ऑफ एनी स्पीसीज डिपेंड ऑन रिएक्शन, लिखो सब लोग, वैलेंस फैक्टर ऑफ एनी स्पीसीज डिपेंड ऑन रिएक्शन, किसी भी स्पीसीज का बैलेंस फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन पे, लिखो, बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी स्पीसीज डिपेंड ऑन रिएक्शन, इट इज नेवर फिक्स फॉर एनी स्पीसीज, किसी भी के लिए ये फिक्स नहीं होता है। तुम सोच रहे हो कभी H2SO4 का हमेशा 2 बोलेंगे तो गलत, कभी फिक्स फिक्स नहीं होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, इस पे, रिएक्शन पे, रिएक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस फैक्टर होता ही क्या है, रिएक्टिंग प्रॉपर्टी, रिएक्टिंग फैक्टर। तो आपको ध्यान देना है, बैलेंस फैक्टर नॉट फिक्स्ड फॉर एनी स्पीसीज, इट डिपेंड ऑन रिएक्शन, जैसे H2SO4, अब मैं तुमको यही बता रहा हूँ, रिएक्शन के थ्रू भी समझाऊंगा, फिर वही बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। हमने NaOH से रिएक्शन करा दिया है, और हमने बना दिया Na2SO4 प्लस H2O, ठीक, इसको बैलेंस भी हम कर लेते हैं, चलो बैलेंस हमने कर लिया, नीचे एक रिएक्शन लिखते हैं H2SO4 प्लस NaOH, रिएक्शन के बाद हम इस बार बना रहे हैं NaHSO4 प्लस H2O, ये भी बैलेंस है यार। अब देखो, यहां पे
H2SO4 का कितना हाइड्रोजन इधर है, दो, और इधर कितना हाइड्रोजन है बोलो, जीरो है। यहाँ H2SO4 के पास दो हाइड्रोजन था, सल्फेट से दो हाइड्रोजन जुड़ा था, इधर एक भी नहीं जुड़ा है। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बताइए, नंबर ऑफ एच प्लस रिप्लेस कितने हुए बोलो, बोलो दो हुए। अब देखो यहाँ देखो H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद एक अभी बचा है, दोनों नहीं गया एक बचा है। तो यहां पे अगर कोई तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ एच प्लस रिप्लेस्ड, यहां पे अगर तुमसे किसी ने पूछा नंबर ऑफ एच प्लस रिप्लेस्ड तो कितना कहोगे, एक ही ना कहोगे, दो तो था एक तो बचा, एक ही ना। तो यहां पे बैलेंस फैक्टर कितना आएगा H2SO4 का बोलो जी, कितना आएगा बैलेंस फैक्टर, वन। और यहाँ पे कितना आएगा बोलो, यहाँ कितना आएगा, टू। टू, कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, कौन है, कौन है ये H2SO4, और ये भी कौन है H2SO4। वैलेंस फैक्टर सेम है कि अलग अलग हो गया, अलग अलग। तो वैलेंस फैक्टर मैं बार बार कह रहा हूँ रिएक्शन डिपेंडेंट होता है, क्या होता है रिएक्शन डिपेंडेंट। अब तुम सोच रहे होगे क्यों वैलेंस फैक्टर है, कि वैलेंट है क्या मतलब, उसके लिए तुमको एक चीज पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद तब मैं इसको समझाऊंगा। पहले इसको तो लिख ही लियो, समझ तो गए, थोड़ा और समझाना है। एक लाइन तुम लोग लिख लो, लिख लो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, एक लॉ है जो हम लोगों को पढ़ना है। अब लिख लीजिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस। जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो बोलो जी, केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना मोल रिएक्ट सॉरी जितना वजन रिएक्टेंट का उतना ही वजन जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का। उसको लोग बोलते हैं लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो लिखिए सब लोग पहले लिखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लिखिए ऑलवेज ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट, सब लोग लिखिए ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट। इसमें वो बच्चे जो नए हैं जिनकी नॉर्मेलिटी क्लास छूट गई है पहली वाली, आज हमको मैसेज कर देंगे, मैं हर क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, आप 40 मिनट रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो टनाटन हो जाएगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है जिनका छूट गया। अब लिखिए आप लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, लिखिए ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट एंड सेम इक्विवेलेंट फॉर्म, ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट एंड सेम इक्विवेलेंट फॉर्म, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। तो बताइए ये क्या कहता है, रिएक्टेंट का रिएक्शन कैसे कैसे होगा बताइए, अलग अलग की सेम सेम बोलो, बोलो सेम रिएक्टेंट जो है, सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट या सेम इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, जितना इक्विवेलेंट पहले रिएक्टेंट का उतना ही दूसरे का, सेम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट एंड सेम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। समझे बच्चा पार्टी, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा और उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। अब उस चीज को लोग यहीं से देखते हैं, तो अब तुम सोच रहे हो कि क्या इक्विवेलेंट है, क्या है, क्यों जरूरत पड़े होगी, तो समझ लो। तो देखो इस रिएक्शन है, बताओ H2SO4 का कै मोल का रिएक्शन हो रहा है, बताओ कै मोल है, देखो एक मोल है क्या, एक मोल है, यही ना पढ़ेंगे रिएक्शन को, एक H2SO4 दो NaOH से रिएक्शन कर रहा है, तो हम कहेंगे एक मोल H2SO4 का मोल, एक मोल NaOH का मोल है बोलो भैया, दो मोल है, दो मोल, दो मोल, दो मोल। और Na2SO4 का मोल है एक मोल, पानी तो है उधर, दो छोड़ो है ना, यही बात करते हैं। बताओ एक मोल का रिएक्शन एक मोल से होगा जी, कि दो से भी हो सकता है, तीन से भी हो सकता है, बोलो कुछ भी हो सकता है ना, कि कहां से एक मोल का एक मोल से रिएक्शन होगा है ना, तो लॉ ऑफ मोल नहीं होता है कोई है ना। तो देखो यहाँ देखो एक मोल का रिएक्शन कितने से हो गया, दो से हो गया, और वन कितना गया, एक, कुछ भी हो सकता है, एक मोल कितना भी मोल से रिएक्शन कर सकता है, एक दो तीन चार ढाई आधा, वन मोल रिएक्ट विथ एनी मोल एंड फॉर्म एनी मोल,
हो सकता है एक आधा मोल से रिएक्शन करे और एक मोल बनाया, दो मोल बनाया, डेढ़ मोल बनाया, कुछ भरोसा नहीं कितना बनाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा इक्विवेलेंट की बात कर लिया जाए, मोल तो हमने निकाल लिया, अब मैंने पिछली बार लिखा था आज भी मैं लिखा हूं, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है याद है तुम लोगों को, बोलो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, बोलो बोलो। मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर लिखे थे पिछली बार, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या बताए थे बताओ, पिछली बार बताए थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताए थे पिछली बार, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर याद करो, जिनको नहीं पता अभी फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। तो अब मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने जा रहा हूं, मोल तो निकाल लिए, तब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो चलो लिख लो सब लोग, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, क्या मोल है पहले का बोलो, एक मोल वन, और वैलेंस फैक्टर दो, क्या कोई इक्विवेलेंट आया पहले का जी, दो आया, आ गया दो है भी करेक्ट, दो इक्विवेलेंट। चलो इधर देखो, NaOH का मोल कितना है, दो, वैलेंस फैक्टर एक ही OH है ना, वैलेंस फैक्टर पर मोलिक्यूल देखते हैं, वैलेंस फैक्टर पर मोलिक्यूल, तो एक NaOH में क्या मोलिक्यूल है, एक ही, यही मत करना कि दो है, एक NaOH एक मोलिक्यूल, टू इंटू वन एक OH है, ये इससे मतलब नहीं है, पर मोलिक्यूल एक मोलिक्यूल में एक OH, इसका वैलेंस फैक्टर वन, टू इंटू वन। साल्ट का क्या बताया था, अभी लिखे थे हम पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस वन, कै गो सोडियम है बच्चे बोलो, कै गो सोडियम है, टू, वन इंटू टू, समझ गए कि नहीं समझे, यस सर, बोलो बच्चों बोलो, यस सर, यस सर, बताओ क्या इक्विवेलेंट आया पहले का, पहले का कै गो आया, दो, दूसरे का भी दो, तीसरे का भी दो, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट होल्ड किया कि नहीं होल्ड किया बताओ, पहले किया तो सबका बराबर बराबर है, इसी को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं, और जरूरत नहीं था निकालने का भाई, जरूरत ही नहीं था, तुमने जहां पहले का दो निकाला तो वहां किया बंद करो, क्लोज ऐसे क्लोज, आकांक्षा हो कि नहीं, तुम हो कि नहीं, यस हाँ, तो जहां पहला दो आया बस आंख करो बंद, और बंद करके पट 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 दो लिख दो, सबका गारंटी है सेम आएगा, इक्विवेलेंट का गारंटी है, और कहेगा गारंटी कौन दिया, तो किसका नाम लोगे, लॉ ऑफ बोलो, श्योर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट इसकी गारंटी देता है। चलो दूसरा भी देख लो भाई, H2SO4 का क्या मोल है इन्वॉल्व, जल्दी बताओ क्या मोल, एक मोल है जी, NaOH का क्या मोल है, एक मोल ना है, NaSO4 का भी बैलेंस है, रिएक्शन वाला बैलेंस है, ध्यान देना, एक मोल इन्वॉल्व है, वन मोल, खतरनाक सवाल है, अच्छे से देखना, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, इक्विवेलेंट बताओ जल्दी से, वन आएगा, जब पहले का वन आ गया तो बाकी का निकालने का जरूरत की नो जरूरत, नो जरूरत, आंख बंद करके क्या कह दोगे वन, और इधर भी क्या कह दोगे वन, समझ गए कि नहीं, बोलो, यस सर, क्लियर हुआ, तो देखो इसीलिए तुम सोच रहे होगे कि क्यों इक्विवेलेंट पढ़ना होता, यही इक्विवेलेंट का ताकत है, इसका ताकत है इक्विवेलेंट का, अगर एक वन हुआ तो सब टन 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 वन होता चला जाएगा, एक दो हुआ तो सब दो हो जाएगा, इसीलिए इक्विवेलेंट को पढ़ना पड़ता है। देखो मोल में गारंटी नहीं कि एक मोल से रिएक्शन करेगा, ग्रामों में गारंटी नहीं है ये ग्राम एक ग्राम से रिएक्शन करेगा, अब यहाँ देखो H2SO4 का 98 ग्राम होता है, NaOH का 40 ग्राम होता है, एक मोल से मतलब 98 ग्राम 40 ग्राम, ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूं एक ग्राम बी से रिएक्शन करेगा, तो कहोगे नहीं मालूम, फिर से सुनो, ए और बी का रिएक्शन हो रहा है, ए और बी का मान लो रिएक्शन हो रहा है, कुछ बन रहा है, इसका एक ग्राम तो इसका कै ग्राम, हरिओम ओम कै ग्राम, वहां तो मास में आता था क्लस वन, अभी यहां भी नहीं बोल रहा है, इसका एक मोल तो इसका कै मोल बोलो, कै मोल बोलो, ये भी नहीं पता, कहां पता है, अरे बैलेंस वैलेंस होगा तब ना, लेकिन
अगर इसका वन इक्विवेलेंट हुआ तो इसका आंख बंद करके का इक्विवेलेंट वन ये है, यही इक्विवेलेंट, इसीलिए पढ़ना होता है इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट टोटली किस पे डिपेंड करता है बताओ, रिएक्शन पे, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। तो वैलेंस फैक्टर कभी भी किसी का फिक्स मत कर देना, वो रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। समझ गया जी कि नहीं समझे? बोलो बोलो। तो चलो अब क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन वैलेंस फैक्टर, डिटरमाइन वैलेंस फैक्टर। अरे वैलेंस फैक्टर तुम लोग निकलवा लो, तुम लोग डिटरमाइन वैलेंस फैक्टर। फिर इक्विवेलेंट मास में आ गए आएंगे, इक्विवेलेंट मास बाद में पढ़ाएंगे, पहले वैलेंस फैक्टर निकाल ले फिर इक्विवेलेंट मास पढ़ाना शुरू करेंगे। तो रिएक्शन देंगे, रिएक्शन से निकालोगे। बैलेंस भी कर दे जी, कर दे रहा, लेकिन जरूरत नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूं, बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कर देना तो लोग गधा हो, क्या भरोसा तुमको, क्या जरूरत। चलो बच्चों देखो, वैलेंस फैक्टर निकालना है, समझ रहे हो, वैलेंस फैक्टर और सबका निकालना है, मतलब किसका किसका मैं बता रहा हूं, इसका 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 इसका। चलो ध्यान दो, सबका वैलेंस फैक्टर बताना है। क्वेश्चन लिख लीजिए सब लोग फटाफट। क्वेश्चन हमने दिया है 3H2SO4 2LOH all thrice, H2SO4 का all thrice plus, उधर है H2 3H2, फिर है H3PO4 COOH का all twice giving CH3PO4 2H2O। अरे सबका वैलेंस फैक्टर निकालना है, निकालिए निकालिए। जल्दी करो, चलो बात करते हैं। पहले का कितना आएगा बच्चे बताओ, तीन से कोई मतलब है बोलो तो? नो सर, तीन से कोई मतलब है? नो सर, कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि पर मोल देखते हैं, क्या देखते हैं, पर मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल को देखते हैं। देखो यहाँ दो हाइड्रोजन है, इधर क्या को हाइड्रोजन है बोलो, इधर तीन से कोई मतलब नहीं है, इधर इधर एक भी नहीं है, कितना हो गया बताओ जी, दो से टू पैगो एच था, पैगो एच था, इधर देखो सब लोग बोलना मत, देख लो पैगो एच है, तीन एल्युमिनियम के पास तीन ओ एच, इधर एल्युमिनियम का ओएच एक को नहीं है, गया तो बेस के लिए ओ एच, एसिड के लिए एच देखते हैं। देखो यहाँ दो एच था भाग गया, तीन ओ एच था भाग गया, पहले इससे कोई मतलब नहीं, फिर से कह रहा बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं होता बैलेंस फैक्टर, क्योंकि पर मोलिक्यूल देखते हैं, एक मोलिक्यूल के लिए। अब मैं इधर बताया हूँ
साल्ट में क्या देखो, एनायन चाहे कैटायन, और मैं पहले कह रहा हूँ कैटायन देखने में फायदा होता है, खुश रहोगे कैटायन देखोगे तो, क्योंकि उसमें मेटल है और मेटल में 2-3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एल्युमिनियम में कैगो इलेक्ट्रॉन है, 3, और कैगो एल्युमिनियम, 2, तो 3 × 6, 3 × 6 कैटायन पे चार्ज देख लिए खुश, एनायन पे भी देख सकते हैं, 1 सल्फेट पे 2, 3 × 6, तो ये तो एनायन या तो कैटायन। अब यहां देखिए 3 हाइड्रोजन था, कैगो हाइड्रोजन बचा है बताइए आप लोग देख के, 3 हाइड्रोजन था कैगो बचा है बताइए देख के, बचा जी एक तो, तीन तो एक तो बचा है ना, दो तो कहा बचा है जी भट्ट सर, 2 आएगा बोलो, एक बचा है तो वायरस फैक्टर 2 आएगा, वेरी गुड। कैगो एच है, 2001 OH दिख रहा है, गया कैल्सियम के पास OH नहीं है तो 2 हो गया, 2 बोलो बच्चे, कोई डाउट है किसी को? चलो तीसरा देखो, कैगो इसको मत देखना शुरू वाले को, कैगो हाइड्रोजन है इधर, ए जिस बच्चे का स्क्रीन गायब हो रहा था वो बच्चा क्वेश्चन लिख लिया तो बताओ यहाँ कैगो हाइड्रोजन है, 3 टैप करो दो बार आ जाएगा, कैगो हाइड्रोजन इधर बोलो, बोलो जी, 3 है सर, इधर कैगो हाइड्रोजन है, 2 सर, 2। अब मैं कह रहा हॉल थ्राइस मत देखना, आकांक्षा तुमको पहले बता रहा है हॉल थ्राइस नहीं देखना है, इधर 3 है, इधर 1 पीने का हॉल थ्राइस देखना लगना, इधर 3 है इधर 2 है, बस इसको एक एक मॉलिक्यूल को देखेंगे, एक मॉलिक्यूल H3PO, इधर 3 इधर 2, मतलब कैगो भागा 1, तो वैलेंस फैक्टर 1। एल्युमिनियम का एटो है बताइए, एल्युमिनियम के पास कैगो एच है, इधर 3, इधर 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो क्या होगा वैलेंस फैक्टर 3, समझ गए बोलिए, और यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे 1 एल्युमिनियम पे +3 होता है, तो यहाँ सीधे 3, समझे कि नहीं? आखिरी वाला बनाओ सब लोग, आखिरी वाला जल्दी बनाओ, लेट मत करो, जल्दी बनाओ आखिरी वाला जल्दी बनाओ, कितना आएगा बोलो, बोलो कितना आएगा, 2। देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, ठीक, कितना आएगा इसका बोलो भाई, 2। देखो शुरू में जो 2 है उससे कोई मतलब नहीं है, इधर 1 OH है, इधर NB OH नहीं है, सोडियम का गया हो तो 1, कैगो सोडियम है बच्चे, कैसे सोडियम है, बोलो कैसे सोडियम है, सोडियम का +1, तो 2 सोडियम का बोलो, समझ गए सब लोग, पक्का लॉक कर दिया जाए, बोलो, तो चलो देखते हैं कितना समझे हो, तो अब इसको सबको मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना, सबको मिटा दे रहा हूँ मैं सबको, अब एक सवाल जो तुम लोग मुझे बताओगे, है ना, देखते हैं कौन बताता है, दिमागवा है कि नहीं, चलो भाई, तो थोड़ा बताओ इक्की वैलेंट कितना आएगा इसका बताओ, तो इसका इक्की वैलेंट कितना आएगा बोलो, तुम कै मोल है H2SO4, 3 मोल है ना, अरे पढ़ेंगे ना, 3 मोल H2SO4, 3 मोल H2SO4, 2 मोल LOH रिएक्शन करके 1 मोल क्या बना रहा है ये, और 3 मोल ये, इसका इक्की वैलेंट कितना आएगा बताओ, 6 इसका, 6 इसका, 6 थोड़ा इसका इक्की वैलेंट कितना आएगा बोलो, तो इसका भी 6 आएगा, सही तो आएगा सर, वैलेंस फैक्टर कितना आएगा पनिया का भाई, पनिया का वैलेंस फैक्टर कितना आएगा बताओ, तो 2 आएगा वैलेंस फैक्टर, निकाल लोगे जी, यस सर, निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, यस सर, वैलेंस फैक्टर कै मोल पानी है बोल बच्चे, 3 मोल है, H2O3 बराबर 6, तो वैलेंस फैक्टर वाटर महाराज का कितना आ गया, तो आया कि नहीं आया बोलिए सर, यस सर, देखो पानी का कोई रोल है नहीं, इधर पानी का कोई रोल नहीं है, देख लो दूर दूर तक, ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है, पानी क्या, पानी तो पनिया ना होता है, तो पानी का ऐसे ही निकालेंगे, किसी भी रिएक्शन का पानी का ऐसे ही निकालेंगे, समझ गए मूर्खों कि नहीं समझे, पानी का ऐसे ही निकालते हैं, डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, घुमा फिरा के निकालेंगे, पक्का
बोलो बच्चों, पानी से दो टू एच निकालेगा तो नहीं होगा? पानी कहाँ एच निकालेगा जी, एच कौन निकालता है? एसिड निकालेगा, ओ एच कौन निकालेगा? बेस निकालेगा। पानी काहे को निकालेगा? पानी काहे को निकालेगा बोलो? पानी एसिड है कि बेस है, क्या है बोलो तो? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना। सब सब जबरदस्ती मत करना, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ और सोचे तो गए, कुछ और सोचे तो क्या हुए बोलो? गए। ऐसे ही करना, कुछ भी उल्टा पुल्टा किए तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले बता रहे हैं। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज वैलेंस फैक्टर ऑफ वाटर फॉर्म्ड, व्हाट इज वैलेंस फैक्टर ऑफ वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम, व्हाट इज वैलेंस फैक्टर ऑफ वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ, formed from reaction of HCl with CaOH hold twice giving out CaCl2 and H2O। चलो बताओ मूर्खों, यहां पे पानी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? बताओ, बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है, बताइए क्या होगा बैलेंस फैक्टर? इस रिएक्शन में पानी का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? मैं बैलेंस कर दिया, करो सब लोग डायरेक्ट मत दिया, पहले कर रहा। हाँ, तरीका क्या है? तरीका बता रहा हूं मैं, किसी एक को पकड़ो। जैसे HCl का कै मोल का रिएक्शन हो रहा है बोलो? दो मोल। और बैलेंस फैक्टर कितना है? बैलेंस देखेंगे तो इसको नहीं देखना, एक एच है इधर, एक बी एच नहीं है, कैल्सियम पे भाग गया। बैलेंस फैक्टर वन है जी, HCl एक ही एच प्लस देता है, वन है। इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो? आया कि नहीं आया? जितना इसका उतना ही किसका इक्विवेलेंट आएगा? इसका भी आएगा? यस सर। बोलो जी। यस सर। पानी दो मोल है, टू इंटू वैलेंस फैक्टर कर दे चोर, कितना है बैलेंस फैक्टर बोलो जल्दी से बता। समझ गया सब लोग? नहीं समझे? अंडरस्टैंड कि डोंट अंडरस्टैंड बोलो? हाँ, तो पानी का बैलेंस फैक्टर भी होता है, हिम्मत कहिएगा कि नहीं होता है? किसी का हो सकता है ना, और एसिड बेस का निकालना है, पानी का ऐसे ही निकालना हम जैसे बताया, फिक्स नहीं होता। समझ गया मूर्खों? नहीं समझे बोलो? यस सर। बोलो जी। यस सर। यस सर। तो जब भी कोई ना आए, किसी में परेशानी हो बैलेंस फैक्टर में, तो ऐसे ही करोगे तो आई थिंक बैलेंस फैक्टर तो आ ही गया होगा, है ना। एक आध अब एक और टर्म हम तुमको यहाँ बता दें, लिख लो तुम लोग, इक्विवेलेंट वेट। अभी लिख लो, अभी हम बता दें इक्विवेलेंट वेट, डिटेल में पढ़ाएंगे अभी बाद में, लेकिन अभी लिख लो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट लिख लो, बाद में इसको और डिफाइन करेंगे अगली क्लास में। लिख लो, इक्विवेलेंट वेट होता है, लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट बटे में बैलेंस फैक्टर। लिख लो, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बटे में बैलेंस फैक्टर, समझ गए? और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, ध्यान देना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैंने तुमको बताया था, याद करो, मोल इंटू बैलेंस फैक्टर बताए थे। Yes, मोल क्या होता है बताओ तो? मोल क्या होता है? वेट बटे में मोलर मास होता है जी। yes, बोलो। अच्छा, ये जो बैलेंस फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई है, उसको नीचे लाके डिवाइड कर सकते हैं बोलो तो? बोलो। मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा, ये अल्टीमेटली ऊपर मल्टीप्लाई ना होगा बोलो? इधर है, यहाँ है तो यहाँ भी तो आ जाएगा, फिर यहाँ जब ऊपर मल्टीप्लाई ना होगा ये, बोलिए। अब ये क्या है बताइए तो, व्हाट इज दिस? मोलर मास बटे वैलेंस फैक्टर क्या हो गया बोलो? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से क्या आ गया बताइए तो, वेट बटे में क्या आ गया बोलो तो? ये आया कि नहीं आया बोलो? बोलो मूर्खों। यस सर, सर आ गया। लिख लो सब लोग, लिख लो सब लोग, लिखो। लिख लो सब लोग। ए, तुम लोग का गैसियस का पेपरवा जो था स्टेट ऑफ मैटर का, आ रहा था ना सवलवा साहब कि नहीं आ रहा था?
मतलब क्वेश्चन अच्छा था उसमें, आईटी का पेपर था वो और जो पीएमटी का बना के दिया था, क्वेश्चन अच्छा अच्छा था, हो रहा था ना तुम लोगों से सब? यस सर। तो चलो मतलब लेवल तुम लोग का मैच कर गया, एक चैप्टर अच्छे से तैयार है, पेपर बन गया मतलब तैयार है। जिनका नहीं बना है ना वो लोग नोट देख लीजिएगा, एक तो यूट्यूब चैनल पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिएगा है ना, डिटेल लेक्चर भी आएगा, डिटेल लेक्चर भी लिस्ट आएगा पोर्टल पे आपके भी बहुत जल्दी। चलिए इसको लिख लीजिए आप, फिर हम मिटा देंगे। मॉल टू ओपी सरला पार्ट में आपको पढ़ा दे रहा हूँ वैलेंट वगैरह बना, बाकी तो संदीप थोड़ा तो ऐसे ही है सब, वो तो नौ में पढ़ा दिया हूँ। चलो बच्चों ये हो गया, तो चलो देखते हैं इधर। तो वेट मोलर मास वगैरह हो गया है ना, इक्विवेलेंट वेट भी हो गया। क्वेश्चन यहाँ लिख लो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट, क्या निकालना है इक्विवेलेंट वेट, और एम एम के टर्म में निकालना, मोलर मास के टर्म, मोलर मास के मानते हुए, ठीक है। जैसे मैं रिएक्टर लिख रहा हूँ, फटाफट निकालना, समझ गए जी? चलो तो करवाइए दिए हम, क्या करवाए बार बार, एक आध दो बच्चा अच्छा रिएक्शन देता है। करो फिर बाद में कराएंगे, पहले इसको दो टो करो, इसका किसका निकालना है तुम लोग को, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका इसका इसका, चलो जल्दी जल्दी करो सबका निकालो इक्विवेलेंट वेट, जल्दी करो, सुन रहे हो, जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो, निकाल लिए, बोलो कितना आएगा इसका, बोलो 26। देखो ये किसका काम कर रहा है, बेस का दिख ही रहा होगा, बैलेंस फैक्टर कितना होगा यहाँ पे बताइए, बैलेंस फैक्टर लिख दीजिए सबका फटाफट, पहले में थ्री थ्री, यहाँ भी थ्री, और यहाँ कितना होगा बोलो जी, निकाल लोगे, वन आएगा वन, यस सर, निकाल लोगे बोलो, अरे थ्री इंटू वन करना ना यार आ जाएगा वन। तो चलो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका मोलर मास एम मान लेंगे, एम बाई वन आएगा, नहीं एम बाई थ्री, सॉरी एम बाई थ्री, इसका मोलर मास 98 होता है तो 98 बाई थ्री आएगा, यस सर। LPO4 का भी निकाल लेंगे, शुरू करना देखो उसको, अब दूसरा में पहले जो पूछेंगे बताएगा, बताओ कौन एसिड कौन बेस, दूसरा में बताओ जी कौन एसिड कौन बेस, पहले का तो हो गया, बताओ जल्दी से। AlOH3 एसिड, NaOH बेस। हाँ एसिड कौन होता है जो H+ दे चाहे क्या ले, OH- ले, लुईस एसिड लोन पेड़ लेने वाला, तो ध्यान रखिएगा एसिड क्या होता है,
एस प्लस डोनर, चाहे ओ एच माइनस, एक्सेप्टर भी एसिड होता है, समझे मूर्खों। एस प्लस ओ एच ले रहा है, ये ओ एच माइनस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, तो क्या कहलाएगा, बोलो, बोल नहीं रहे, एसिड, एसिड, एसिड कैगो एच ले रहा है, तीन तो है, चार हुआ तो कैगो लिया, एक बोल लिया, यस सर। बेसिसिटी क्या कहेंगे, बेसिसिटी क्या कहेंगे, बेसिसिटी वन, क्यू वन कहेंगे, बोलो क्यू वन कहेंगे, बोलो सो वन ओएच ले रहा है, देखो एक ओएच लेगा तो वन, दो लेगा तो दो, चलो हम बताए थे बेसिसिटी को, एक और नाम बोले थे, बोले बताए थे एक नाम और क्या बताया था बेसिसिटी का, प्रोटीसिटी, प्रोटीसिटी, कौन बोला है प्रोटीसिटी, वेरी गुड। तो चलो आकांक्षा, ये आकांक्षा आगे वाली हो तुम ना, यस आगे वाली, यस सर, हाँ तो थोड़ा बताओ प्रोटीसिटी कितना होगा, सर वन होगा, जीरो। देखो प्रोटीसिटी टर्म जानती हो कहां से आया है, एच प्लस से, और एच प्लस क्या होता है, प्रोटॉन, पता है कि नहीं पता तुम लोगों को, वो हाइड्रोजन में कै गो इलेक्ट्रॉन, एक, कै प्रोटॉन, एक, और कै न्यूट्रॉन, जीरो। एच प्लस में कै इलेक्ट्रॉन, जीरो प्रोटॉन, एच प्लस क्या हो गया, एच प्लस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है, इसीलिए एच प्लस इज प्रोटॉन, इसीलिए प्रोटीसिटी टर्म एच प्लस के लिए आता है, किसके लिए आता है, एच प्लस के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर कोई एच प्लस देगा तो हम कहेंगे प्रोटॉन देगा, आप तभी प्रोटीसिटी का यूज करेंगे। तो कै गो एच प्लस दे रहा है आकांक्षा, बताओ कै गो, जीरो, जीरो, प्रोटीसिटी जीरो, और बेसिसिटी को इससे नहीं मतलब है, वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड इज सिंपली बेसिसिटी, समझ गए, एसिड का वैलेंस फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी, बट प्रोटीसिटी क्या होता है, बोलो, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच प्लस, जितना एच प्लस निकले, कै गो एच प्लस निकला इधर, जीरो, समझे कि नहीं समझे, बोलो जी, यस सर, सबको आ गया, बोलो, यस सर, एक की हंड्रेड मास फटाफट बता दो तो दिख ही रहा है, कितना कितना आ जाएगा, एम बाई वन, जो भी इसका मोलर मास रहेगा, एम बाई वन, इधर भी एम बाई वन, इधर भी एम बाई वन, समझ गया सब लोग, बोलो बच्चों, यस सर, बोलो बोलो, इक्विवेलेंट मास निकालने आया कि नहीं आया, बोलिए, यस सर, बोलिए, यस सर, और ये और रिएक्शन भी आ ही गया होगा बेसिक में। एक और हम बता दें, बोरिक एसिड का एक कहानी सुना दें आपको, बोरिक एसिड के लिए याद रखिएगा, लिख लीजिए, बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, इसको याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये, अरे बोरिक एसिड का फॉर्मूला इसको याद रखना सब लोगों को, ये फार्मूला होता है, देखने में बेस लगता है ये, लेकिन यह है बोरिक एसिड, बोरन का एसिड, बोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, वन, बेसिसिटी वन, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक, क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक, और प्रोटीसिटी क्या होती है, जीरो, प्रोटीसिटी क्या होती है, जीरो। तो बताओ जब एनएओएच से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कौन बताएगा, बताइए क्या बनेगा रिएक्शन के बाद, बताइए क्या बनेगा, बताओ कै गो एच प्लस देगा, बोलो, कै गो एच प्लस देगा, कै गो एच प्लस देगा, ये बोलो कै गो एच प्लस देगा, बोलो जल्दी, लेट क्या कर रहे हो, बोलो, देगा जी, दो देगा, कहाँ कहाँ से आ गए हैं, जीरो कहाँ से देगा, बोलो, नहीं देगा, नहीं देगा, पता नहीं कौन फोन करने लगा इसी में यार, ये नंबर किसी को सेव नहीं, इतने गड़ है तो व्हाट्सएप फोन कर, वो देखो इधर प्रोटीसिटी कितनी होगी, जीरो। अब एनएओएच की बात करो, एनएओएच की बात करो,
हाँ क्या छोड़ो, रिएक्शन हुआ क्या होगा, रिएक्शन हुआ बताओ, रिएक्शन बताओ। अरे यार रुको एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑप्शन चलो बंद हो गई। रिएक्शन बताओ, रिएक्शन बताओ, इसका रिएक्शन बताओ, रिएक्शन क्या होगा बोलो। अरे बेसिसिटी वन है मर्दे, एच प्लस देगा नहीं तो क्या करेगा बोलो, बोलो जल्दी, वो एच लेगा ना। बोलो रुको यार काटने दो पहले, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो पहले। क्लियर हो गया सबको, नहीं क्लियर हुआ बोलो बोलो। तो अब मैंने तुमको बता दिया है कि हमेशा सेम इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा, तो कुछ ऐसा ऐसा सवाल भी ध्यान में आता है, कभी भी रिएक्शन पूछेगा, कभी भी क्या पूछेगा रिएक्शन, और खासकर क्या पूछेगा ध्यान देना, मैं तुमको बता रहा हूँ, कभी भी तुमसे पूछ लिया कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, इसी को क्या बोलता है, जब भी एसिड और बेस रहेगा, एसिड और बेस के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं जानते हो, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन पूछेगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्या बोल दिया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन। और जब एसिड और बेस दोनों बराबर होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या कंप्लीट रिएक्शन कब होगा एसिड और बेस का, कब, जब दोनों का क्या बराबर रहेगा, दो बराबर रहेगा तो हो जाएगा बोलो, एसिड और बेस का कंप्लीट रिएक्शन या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, व्हेन एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, बताइए बताइए, जब दोनों का मोल रहेगा तो हो जाएगा, बोलिए मोल बराबर रहेगा तो हो जाएगा, एसिड का मोल बराबर बेस का मोल रहेगा तो हो जाएगा रिएक्शन बोलो। नो सर, नो सर, नहीं होगा, कब बराबर होता है बताइए, देख होता है रिएक्शन कौन बराबर रिएक्शन करता होगा, हमेशा कौन बराबर रिएक्शन करता है सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, तो ध्यान दो लिख लो, लिख लीजिए व्हेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, लिख लीजिए व्हेन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, देन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, देन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, समझ लो बच्चों बोलो। यस सर, कंप्लीट, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया जिसके की और हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट, बोलते हैं क्या आ गया इक्विवेलेंट पॉइंट, तो दोनों बराबर इक्विवेलेंट पॉइंट भी हो, तो आपने क्या लिखा है, क्या लिखवाया था बताइए, क्या लिखवाया था बोलिए, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बेस, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, ये जो ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट टर्म्स और इक्विवेलेंट पॉइंट टर्म्स, इसको इक्विवेलेंट पॉइंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट टर्म्स, समझ गए बोलो। यस सर, यस सर, इसी की एप्लीकेशन पे एक सवाल में करवा रहा, देखता है कौन करता है, देखो देखो 40 ml 1 molar in average, 40 ml 1 molar in average, completely reactive, 40 ml 1 molar in average, 40 ml 1 molar in average, completely reactive, कंप्लीटली रिएक्टिव, पहला 10 ml और जेलिक एसिड, और जेलिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, H2C2O4, 10 ml और जेलिक एसिड आपको बताना है,
आपको बताना है वाटेज मोलार मोलार। अब तीसरा पार्ट बताना है रेट ऑफ ऑक्सीजन के। आज का सवाल है बस क्लास ओवर हो जाएगी। जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट इसको सोल्व कर लेगा। 40 ml वन मोलर इंडिवेज हमने लिया है उसका रिएक्शन हो डेलीगेशन से बता रहा है आपको बताना है। 10 ml ऑफ डेलीगेशन ले रहे हैं तो मोलिटी कितनी उसकी होगी। 20 ml ऑफ डेलीगेशन ले रहे हैं तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी और कितना रेट ऑफ ऑफ डेलीगेशन चाहिए ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो। क्वेश्चन जल्दी से लिख लो बच्चों जितना फटाक से डिस्कस किया जाएगा जितना फटाक से डिस्कस किया जाएगा। 40 ml वन मोलर इनहिबिशन कंप्लीटली रिएक्शन बना रहे हैं। 10 ml H2CO4 बॉडी मोलारिटी। 20 ml H2CO4 बॉडी मोलारिटी। वेट ऑफ ऑफ डेलीगेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। आज एक डीपीपी भी भेजेंगे तुम लोगों को हम आज जाकर भेज देंगे डीपीपी उसको ट्राई करना कितनी मिनट ठीक है। तो बताएं जिसको एवरीबॉडी योर ट्राई बोलो बोलो। तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए अभी तुम पढ़े हो कंप्लीट रिएक्शन के लिए क्या बराबर होना चाहिए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसका इक्विवेलेंट ऑफ बेस किसके बराबर होना चाहिए एसिड के बराबर। यही कंडीशन होता है कंप्लीट यूटिलाइजेशन का। तो बेस कितना दिया है बताइए 40 ml। 40 ml क्या करती है एक हजार ताकि किसको जवाब आए लीटर L2 कितना दिए थे मोलारिटी कितना दिए बताइए वन मोलर सर L2 वन चलो आ गया जी इक्विवेलेंट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम दिए तो मोल और मोल इनटू वॉल्यूम फैक्टर से इक्विवेलेंट आएगा बोलो। यस सर। अरे आ गया नहीं मोलारिटी इनटू मोल ही तो ऐसे क्या देखने वाला है मोलारिटी का क्या होता है मोल बटे वॉल्यूम होता है ना बोलो। यस सर। बताइए अगर नॉबिलिटी दिया हुआ है वॉल्यूम का नॉबिलिटी दिया है तो जरूरत है बैलेंस फैक्टर का कि नहीं। नॉबिलिटी ऑलरेडी क्या होता है नॉबिलिटी टू बैलेंस फैक्टर बोलिए ऑलरेडी बैलेंस फैक्टर लगा होता है बोलिए भाई बोलिए क्या नॉबिलिटी का आप पढ़े नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम। अगर नॉबिलिटी का रहा है तो बैलेंस फैक्टर की जरूरत नहीं है तो ऑलरेडी होता है बैलेंस फैक्टर। तो पहला पार्ट बना लेंगे कितना आंसर आएगा पहले पार्ट का बोलो बोलो। हो आएगा दूसरे पार्ट को जल्दी ट्राई करो दूसरे पार्ट कैसे जल्दी पता जाएगा बहुत जल्दी से। पहला पार्ट को समझ गया कि डाउट है पहला पार्ट समझ गया कि डाउट है ब्रो डाउट है बताए फिर से बोलो। अरे यस नो बोलो किसी को डाउट है तो बोलो बच्चा कभी नया बच्चा टंकी वाला है कि नहीं टंकी में जो बैठा था टंकी फोटो है कि नहीं है निकाली तुम बताओ निकाली दूसरे जगह बताओ निकाली बताओ दूसरे जगह पर तुम बोलिए नहीं रहे चल यार ट्वेंटी एम एल
बेस के लिए, बेस के लिए तो फिक्स था, कितना था बेस याद है किसको? बेस कितना दिए थे? 40,000 इनटू वन इनटू वन एसी का 20 बटे 1000 इनटू वाले फैक्टर 2 इनटू 1 वाले फैक्टर 2 होगा 9 आरआईटी इनटू वाले फैक्टर 9 बल्कि होता है तो करिए भाई आरआईटी कितनी आएगी भाई बोलिए ओम ओम बोलिए तुम बोला बाकी बात बोलिए ना सर चलो दूसरा भी हो गया अब आगे चलते हैं तीसरा का क्वेश्चन बताओ तीसरा का बताओ कि वैलेंट ऑफ ब्रेड तो फिक्स है कितना आएगा 40,000 इनटू वन इनटू वन अब हमको नहीं पता कि ऑर्गेनिक एसिड का क्या ग्राम होना है एक्स का मान लो मोलर मास ऑफ जेलिक एसिड का कितना था 90 ये क्या आ गया मोल वैलेंस फैक्टर कितना हो जेलिक एसिड का हो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर इसकी वैल्यू तो मोल हो गया यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स बोलो यस सर आज का क्लास यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ एक डीपी भी आपको भेज दूंगा जो क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा ठीक है आपका चलिए क्लास को बंद